हाँ, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर का जो पहले सॉल्यूशन के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन के डिफिनेशंस, फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप्स, कंसंट्रेशन टर्म, जो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए परसेंटेज, वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मिलिटी, पीपीएम, ये सभी इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में आपको पढ़ना है सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट वन आपको पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस का सॉल्युबिलिटी किसमें, लिक्विड में। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे दैनिक जिंदगी में हम लोग जानते हैं जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उसमें CO2 डिजॉल्व होता है, तो CO2 को लिक्विड में डिजॉल्व किया जाता है, वही आपका एग्जांपल है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में आप एग्जांपल कर सकते हैं शुगर को हम लोग डिजॉल्व करते हैं वाटर में, ग्लूकोज को डिजॉल्व करते हैं, एक सर्टेन टाइम तक वो आपको डिजॉल्व हो सकता है, जिसका मैक्सिमम अमाउंट्स। वहाँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ढेर सारी चीज़ है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और वहीं पे हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन उसको कहते हैं जो रॉल्स लॉ को आपका फॉलो करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन उनको कहेंगे जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अब फिर हम लोग बात करते हैं इसी के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंतर्गत आप लोग चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जो मेनली बेसिकली होता है ये रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम बात करते हैं कि इस ये चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बाद इसी के अंदर हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ते हैं, इंडोस्मोसिस पढ़ते हैं, और एबनॉर्मल मोलर मास हम लोग पढ़ेंगे। एबनॉर्मल मोलर मास उसी के अंदर हम लोग वांट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे। वांट ऑफ फैक्टर दो तरह का, या तो कंपाउंड डिसोसिएट होता है या तो कंपाउंड एसोसिएट्स होगा। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि कंपाउंड यदि डिसोसिएट्स होता है उसके लिए आई का वैल्यू हम निकालेंगे, यदि कंपाउंड एसोसिएट होगा, जुड़ता है, डायमर बनाया, पॉलीमर बनाया, उनके लिए भी हम लोग आई का मान निकालेंगे। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। नेक्स्ट वन इज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विथ आई इनटू कंसंट्रेशन। यहाँ पे जैसे किनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किनका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये जो चैप्टर है आपका वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई, जो आपका मेंस होगा 2020 में भी, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 to 2 क्वेश्चन जो आउट ऑफ 25 क्वेश्चन होंगे, 25 में से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और मेडिकल में भी 2 से 3 क्वेश्चन जो नीट होगा उसमें 2 से 3 क्वेश्चन, और 5 to 7 मार्क्स ये कंटेन करता है आपका 12th में, क्योंकि CBSE के सिलेबस से अभी सॉलिड स्टेट हटा दिया गया है, इसके लिए उसको अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, वो बोर्ड के सिलेबस में, नेक्स्ट टाइम हम लोग उनको देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन कहते किन को है। यदि चार लिया जाए बच्चे तो इसमें 8 मार्क्स तो आसानी से पा सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ क्लास के नोट्स को देखने हैं और क्वेश्चंस करने हैं। यदि आप कर लेते हैं तो वेरी वेरी इजी, इसमें आपको एन अवस्थी वगैरह जो भी आपका क्वेश्चन बैंक हो हर एक चैप्टर लगा सकते हैं, और जो आपके डाउट्स आएंगे वो नेग्लिजिबल। मान लीजिए टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यदि 100% क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 10% के अप्रोक्स आपके डाउट आएंगे, और जिस डाउट को हम आपको इसी वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि सॉल्यूशन का डिफिनेशन था, तो सॉल्यूशन कहते किनको है। तो सॉल्यूशन कहते किनको है, ये चीज आपका क्या, सॉल्यूशन मतलब देखते हैं हम लोग क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब होमो मतलब सेम कंसंट्रेशन, होमो मतलब सेम, होमो तो होमोजीनियस मतलब सेम कंसंट्रेशन। और जैसे हम बात कर सकते हैं अभी इसको पहचानने का आसान तरीका, मान लीजिए हम लोग क्या कर लिए, वाटर लिए, और इस वाटर में बाबू क्या किए, 10 ग्राम नमक डाला, सॉल्ट जिसको कहते हैं, और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या किए,
मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए और मिला दिया, अब ये सोल्यूशन बन गया। जिस सोल्यूशन के अंदर वाटर है और क्या है, सॉल्ट है। अब यदि इसके अंदर वाटर और सॉल्ट है तो इस सोल्यूशन को हम यदि चाहेंगे कि सॉल्ट को आसानी से चून करके अलग कर लेते हैं, क्या ये आसानी से निकलेगा? क्या नहीं निकलेगा। यदि हम इनको छान के अलग कर लें तो निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो वो सोल्यूशन जिनको हम क्या कर सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर को हम जो सिंपल फिजिकल मेथड्स होते हैं छान करके चून करके इसको अलग नहीं कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड से ये अलग नहीं होता है। साथ ही इसका हर एक, यदि हम लोग वाटर और सॉल्ट को मिलाए तो ये नमक पानी का एक सोल्यूशन बना, जिसमें आप क्या देखोगे, हर एक जगह यदि नमक इसमें डला है तो ये कैसा होगा, मीठा थोड़ी ना होगा, ये नमकीन होगा। और यदि यह नमकीन होगा तो हर एक जगह जो नमकीन होगा वो बराबर होगा। हम लोग यदि यहां से चम्मच उठाए कि यहां से चम्मच उठाए कि यहां से चम्मच उठाए या यहां से चम्मच उठाए, हर एक जगह आपको ये वाटर और जो नमक का सोल्यूशन है यह आपको बराबर नमकीन लगेगा। तो आप कह सकते हो कि ये होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस मतलब, अब यदि हम लोग सिंपल होमोजीनियस और हेटरोजीनियस को यदि पहचानने की बात करेंगे तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यदि हम आपको सिंपल घर में आपके दाल दे दिए, दाल में क्या किए, चावल मिला दिए, दाल चावल को अच्छे से मिला दिए, तो यदि आपसे हम बोलें कि भाई एक काम करो तुम इससे चावल को चुन करके अलग कर दो, तो क्या करते हैं अपन, चुन चुन करके चुन चुन करके चुन चुन करके चावल को अलग कर देते हैं। दाल को भी अलग कर सकते हैं, हाँ हो सकता है टाइम आपका ज़्यादा लगे तो, यदि आप मगर चून के तो अलग कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं सिंपल मेथड से। तो ये कैसा मिक्सचर होगा, ये हेटरोजीनियस मिक्सचर होगा। तो सिंपल होमोजीनियस को पहचानने का तरीका, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बोले इनको यदि डिजॉल्व होने के बाद इनको सिंपल मेथड या टेक्निक से अलग नहीं कर सकते, चून करके छान करके इनको अलग नहीं कर सकते। साथ में थ्रू आउट द सोल्यूशन, पूरे के पूरे सोल्यूशन में हर एक जगह जो कंसंट्रेशन होगा वो कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे बराबर नमकीन लगेगा, यहाँ पे भी बराबर नमकीन, यहाँ पे भी बराबर नमकीन, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ज्यादा नमकीन लग रहा है, यहाँ पे कम नमकीन लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। हर एक जगह जो यह है ये बराबर नमकीन लगेगा। तो वो सारा सोल्यूशन जिसके अंदर हर एक जगह जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे, इसके प्रॉपर्टीज होंगे वो सेम होंगे, वो सोल्यूशन के अंदर वेरी नहीं करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस कहेंगे। तो सोल्यूशन को हम लोग डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, सिंपल देखिएगा, क्योंकि आपके लिए नोट्स भी इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे तो नोट्स हो गए, साथ ही उनको डाउनलोड कर दिया जाएगा। हमने क्या बताया, सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, टू और मोर कंपोनेंट्स, या हम लोग लिख सकते हैं होमोजीनियस मीन्स property is same in the solution। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोले, solution क्या है, solution is homogeneous mixture of two or more than two components, two or more components, homogeneous means प्रॉपर्टी इज सेम इन द सोल्यूशन। अब यहाँ से हाँ, कंपोनेंट्स दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अभी देखिए सोल्यूशन को बताए, क्या बताए, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस को हमने अच्छे से पढ़ लिया कि इनको सिंपल मेथड से अलग सेपरेट नहीं कर सकते। साथ में होमोजीनियस का कि थ्रू आउट द सोल्यूशन जो प्रॉपर्टी होगा वो आपका क्या होगा, सेम होगा। अब हम बात करते हैं कि इसे कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत तो नहीं होगा, सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स,
होमोजेनियस मीन्स प्रॉपर्टी इज सेम इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब इसी में हम लोग अगला देख सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होंगे। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ज्यादा इसमें कुछ टेंशन की बात है नहीं। सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो, एक तो आपका सॉल्यूट हो गया और दूसरा आपका सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूशन के अंदर जो लेसर अमाउंट में होगा, जिनका अमाउंट कम होगा उनको क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे, और जिनका अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा उनको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, मतलब कहने का यहाँ कह सकते हैं लार्जेस्ट अमाउंट में जो होगा वो सॉल्वेंट होगा और रिमेनिंग जो भी होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। मगर ये जो मिक्सचर होना चाहिए वो तभी सॉल्यूशन कहलाएगा जब यह क्या हो, होमोजीनियस मिक्सचर हो, मतलब हिट्रोजीनियस को हम लोग सॉल्यूशन नहीं कह सकते। तो यहाँ से कह सकते हैं सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंतर्गत आपका दो कंपोनेंट्स आता है, एक सॉल्यूट आता है दूसरा सॉल्वेंट आता है। अब हम लोग बाबू देखते हैं सॉल्यूट, ये हमने देखना शुरू कर दिया सॉल्यूट। सॉल्यूट किनको कहेंगे, तो सॉल्यूशन के अंदर जिनका मात्रा या जिनका अमाउंट कम होगा, तो यहां कह सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं कंपोनेंट्स विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो यहां से हम क्या बोले, सॉल्यूट क्या, कंपोनेंट्स विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट है ना इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो वो कंपोनेंट्स जो सॉल्यूशन में जिनका अमाउंट क्या हो, कम हो, उनको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट आपका एक दो तीन चार कुछ भी हो सकता है, मगर जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा आपका एक ही सॉल्वेंट होगा। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं नेक्स्ट वन इज सॉल्वेंट की बात जब करेंगे तो सॉल्वेंट क्या कह सकते हैं, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स विच इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट, ध्यान दीजिएगा क्या है, लार्जेस्ट अमाउंट इन द सॉल्यूशन कॉल्ड सॉल्वेंट। यहां से हम लोग क्या बोले, सॉल्वेंट क्या है, तो कंपोनेंट्स विच इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन द सॉल्यूशन कॉल्ड सॉल्वेंट। तो वो कंपोनेंट्स जो सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा हो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। जिसका अमाउंट क्या होगा, सबसे कम होगा, उनको क्या कहेंगे, सॉल्यूट। तीन चीज हम लोग पढ़े, सबसे पहले पढ़े कि सॉल्यूशन कहते किसको है, तो सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन किसको कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर है किनका, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स। अब उसमें जब हम लोग बात करते हैं दो कंपोनेंट्स क्या हो सकता है, दो कंपोनेंट्स सिंपल सोच सकते हैं हम लोग, एक सॉल्यूट होगा दूसरा एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट की जब बात करेंगे तो सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, लेसर होगा सॉल्यूशन में। जिनका अमाउंट ज़्यादा होता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। जिनका अमाउंट कम होता है उनको क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
लॉकडाउन की वजह से आप लोगों को घर में ही पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आएगा मगर इसको आसानी से आप लोग देखिए समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, हाँ यहाँ पे एक चीज और हम लोग थोड़ा सा पहचान लेते थोड़ा समझ जाते हैं। मान लीजिए कि आपका वाटर है, वाटर में हम क्या मिला दिए, शुगर डाला, चीनी। शुगर कितने ग्राम है, 10 ग्राम। वाटर कितने ग्राम है, 100 ग्राम। वाटर 100 ग्राम, शुगर कितने, 10 ग्राम। तो इसमें जो कम मात्रा दिख रहा है, कम किसका अमाउंट दिख रहा है, कम आपका शुगर है। शुगर जो है वो कितना है, 10 ग्राम है। शुगर आपका 10 ग्राम है, वाटर जो है 100 ग्राम है। शुगर 10 ग्राम है, वाटर 100 ग्राम है, तो शुगर का अमाउंट कम है, तो इनको हम लोग सोल्यूट कहते हैं। वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, इसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। हाँ, चूंकि इस सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स हैं, दो, एक सॉल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है। तो यदि सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हो, एक सॉल्यूट हो दूसरा सॉल्वेंट हो, तो उसको हम लोग बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं, और जो आपके सिलेबस में है वो बाइनरी सोल्यूशन ही है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ कितना कंपोनेंट्स है, दो, तो बाइनरी सोल्यूशन को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, सोल्यूशन विच हैव टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स का मतलब हुआ, वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन जिसके अंदर में दो कंपोनेंट्स हो उसको क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। तो वो सॉल्यूशन जिनके दो कंपोनेंट्स हो, बाइनरी सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, उनको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ देख भी रहे हम लोग, 10 ग्राम शुगर है और 100 ग्राम वाटर है, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। कितने कंपोनेंट्स, दो हैं, एक कौन है, शुगर है, और एक कौन है, वाटर है, तो दो ही है, तो इसको बाइनरी, बाय मतलब दो, दो कंपोनेंट्स वाले को बाइनरी कहेंगे। यदि तीन कंपोनेंट्स होंगे सॉल्यूशन में तो इनको ट्राइनरी कहेंगे, और तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर जो हमारे सिलेबस में है वो कौन से हैं, बाइनरी कंपोनेंट्स है, जिसके अंदर जो है आपका दो ही कंपोनेंट्स होंगे। तो इनको आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, अभी एक चीज और हो सकता है कि इसी सॉल्यूशन के अंदर, ध्यान से देखिएगा, इसी सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा सा फिगर खराब हो गया, इनको अच्छे से आप देखिए, थोड़ा सा समझिए। ये आपका देखिए, इसी कंपोनेंट्स के अंदर ये मान लीजिए आपका वाटर है, और वाटर में क्या कर दिया अपन, वाटर है 100 ग्राम, ठीक, 10 ग्राम शुगर है और 5 ग्राम सॉल्ट है। तो एक सॉल्यूशन लिया और इनको अच्छे से चम्मच से हमने क्या किया, मिला दिया। 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम शुगर डाला, 5 ग्राम सॉल्ट डाला, और इसको अच्छे से हमने क्या किया, मिला दिया। अच्छे से क्या किया, मिला दिया। यदि इसको अच्छे से आप मिला दोगे तो क्या होगा, आप सिंपल सोच सकते हो कि ये सोल्यूशन बनेगा, क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। और इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट्स, ये तीन कंपोनेंट्स इसके अंदर में होंगे, और तीन कंपोनेंट्स जब हम देखते हैं कंपोनेंट्स, तो इसमें कौन कौन है भैया, इसमें शुगर है और कौन है, सॉल्ट है और कौन है, वाटर। जब अमाउंट की बात करेंगे तो ये 100 ग्राम, ये कितने ग्राम भाई, 5 ग्राम, ये कितने ग्राम, 10 ग्राम। तो हम क्या देखते हैं, हमने क्या बोला, हमेशा सॉल्वेंट कितने होंगे, एक ही होंगे। यदि सॉल्वेंट एक होंगे, और वो भी कौन सा, लार्जेस्ट अमाउंट वाला, जिनका अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप खुद देख सकते हो, इसमें ये 100 ग्राम, ये 5 ग्राम, ये 10 ग्राम, इसमें ज्यादा कौन है, इसमें ज्यादा वाटर है। तो ये लार्जेस्ट अमाउंट एक ही होता है सॉल्वेंट, तो ये लार्जेस्ट अमाउंट वाला क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट।
बचे हुए इनमें सॉल्यूट कितने होंगे, तो सॉल्यूट इनमें दो होंगे, एक सुगर और सॉल्ट, ये दोनों आपके क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे, मगर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसको हम ट्राइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, जिसके अंदर तीन कंपोनेंट्स है, ट्राइनरी सॉल्यूशन, मगर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मगर जानने के लिए आपको बताएं कि वो सॉल्यूशन सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मींस थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो इनका कंसंट्रेशन होगा, प्रॉपर्टी होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। हर जगह से जो टेस्ट आएगी वो एक जैसा टेस्ट आएगा। यदि नमकीन लगेगा तो एक जैसा, मीठा लगेगा तो एक जैसा। और जब बात करेंगे हम लोग कि भाई यदि इनको अलग से निकालते हैं और छान के, चून के, अलग करने की जहाँ तक बात आती है, तो इसको ना छान के अलग कर सकते हैं ना चून के अलग कर सकते हैं। हाँ, कंपोनेंट्स तीन आपके सिलेबस में है नहीं, कंपोनेंट्स दो आपके सिलेबस में है। और यदि दो कंपोनेंट्स होंगे तो एक सॉल्यूट होगा और दूसरा एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट जो होगा उनका जो अमाउंट होगा वो आपका कह सकते हैं कि जिनका अमाउंट लेसर हो, बहुत कम हो सॉल्यूशन में, दैट इज सॉल्यूट, और जिनका अमाउंट ज़्यादा हो वो सॉल्वेंट। लार्जेस्ट अमाउंट वर्ड है, लार्जेस्ट मतलब एक ही सॉल्वेंट होगा। हाँ, सॉल्यूट एक या एक से अधिक हो सकते हैं, मगर हमारे सिलेबस में जो है वो कौन से हैं, बाइनरी है। तो यहां से हम एक चीज और लिख सकते हैं भैया, सॉल्यूशन में दो चीज होता है, हम लिख सकते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को यदि हम मिला दें तो हमारा जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हाँ, अब यहाँ पे जब बात करेंगे तो सिंपली हम लोग पूरे क्वेश्चंस में सॉल्यूट को बी से डिनोट करते हैं और सॉल्वेंट को, पूरी चैप्टर में सॉल्वेंट को हम ए से डिनोट करेंगे। सॉल्यूट को किससे डिनोट करेंगे, बी से, और सॉल्वेंट को किससे डिनोट करेंगे, ए से। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन, यदि सॉल्वेंट का अमाउंट निकालना हो तो सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट का अमाउंट। हाँ, सॉल्यूट को किससे डिनोट करते हैं, बी से, और सॉल्वेंट को किससे डिनोट करेंगे, ए से। सारे डेरिवेशंस में यही होगा। नेक्स्ट आपका ये कुछ आपके जो है, चूंकि ये थियोरेटिकल सेक्शन है तो इसको तेजी में थोड़ा बता दे रहे हैं और ये आप आसानी से समझ सकते हैं, पहले भी क्लास 9th में इसको आप लोग पढ़े होंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये कुछ थियोरेटिकल सेक्शंस हैं, इनको आप पहले भी क्लास 9th में पढ़े हैं, इनके लिए इसको थोड़ा सा जल्दी बता देते हैं। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का जो स्टेट होता है या टाइप्स, वो सॉल्वेंट के स्टेट के हिसाब से हम उसको डिफाइन करते हैं, अलग करते हैं कि आखिर सॉल्वेंट का स्टेट क्या है। यदि सॉल्वेंट हमारा गैस स्टेट में होगा तो सॉल्यूशन हमारा गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्वेंट मेरा यदि लिक्विड स्टेट में होगा तो सॉल्यूशन हमारा लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा, और यदि सॉल्वेंट हमारा सॉलिड स्टेट में होगा तो सॉल्यूशन हमारा सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हम लोग बात करते हैं, ये सब आसान है, या हम दो कंपोनेंट्स इस तरह हम लोग अलग कर करके कुछ डालते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। ये हम कुछ ऐसा किए, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, हमने पहले यहाँ पे लिखा सॉल्वेंट, भाई सॉल्वेंट हमारा कौन सा स्टेट में, दूसरा यहीं बाजू में हमने लिखा सॉल्यूट, उसके बाजू में लिखा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम सॉल्वेंट क्या किए, सॉल्वेंट सारा सॉल्वेंट हमने गैस ले लिया, ये गैस, ये गैस, ये गैस, ठीक। फिर हमने ले लिया, मान लो ये लिक्विड, ये लिक्विड, ये लिक्विड, फिर हमने ले लिया सॉलिड, ये सॉलिड था, स्पेस कम है इसके लिए, देख लीजिएगा सॉलिड, यहाँ तक आ गए ना, आगे चलिए। सॉल्यूशन हमने लिया सॉल्वेंट के तौर पे, गैस गैस गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड एंड सॉलिड। जब हम बात करते थे, हम सारे केसेस ले रहे हैं, ये मान लो हमने सॉलिड लिया, ये हमने लिक्विड लिया, ये हमने गैस लिया, यहाँ पे भी हमने क्या लिया, सॉलिड लिया, हमने लिक्विड लिया, हमने गैस लिया, यहाँ पे हमने क्या लिया,
सॉलिड लिया, यहाँ पे हमने क्या लिया, लिक्विड लिया, और यहाँ पे हमने गैस लिया। अब जब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम जो भी सॉल्यूशन का टाइप्स होगा वो सॉल्यूशन आपका किसके हिसाब से आइडेंटिफाई होता है, सॉल्वेंट के हिसाब से। सिंपल आप देखते हो, इसको समझ सकते हो नॉर्मल वे में, कि यदि एक ग्लास वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं, उसमें हम एक चम्मच क्या करते हैं, चीनी को मिलाते हैं और अच्छे से वो क्या किए, उसको डिजॉल्व कर लिए। उनके बाद जब हम स्टेट देखते हैं हमारा सॉल्यूशन का, तो वो शरबत जो हमारा होता है, उस शरबत को हम देखते हैं कहीं ना कहीं, वो शरबत जो है आपका वो लिक्विड स्टेट में ही होता है। और वो कहाँ से, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब हमने पानी लिया तो उस पानी में जो अमाउंट था, मात्रा था, वो लिक्विड का, वाटर का मात्रा ज़्यादा था, अमाउंट ज़्यादा था। और कह सकते हैं कि शुगर का अमाउंट जो था वो कम था, तो जिनका अमाउंट कम होगा उनके हिसाब से तो स्टेट नहीं वेरी करेगा ना, तो जिनका अमाउंट ज़्यादा होगा सोल्यूशन का स्टेट वही होगा। जिनका अमाउंट, याद रखिएगा, जिनका अमाउंट ज़्यादा होगा सोल्यूशन का स्टेट वही होगा। तो हम जब बात करते हैं, सिंपल यहाँ देख सकते हैं गैस सॉलिड, तो सोल्यूशन का जो हम नाम देंगे तो दिस इज, ये तीनों के तीनों से कहलाएगा गैसियस सोल्यूशन। ये दिख रहे हैं सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीनों के, ये दिख रहा है लिक्विड लिक्विड लिक्विड, ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के स्टेट का ही आपका सोल्यूशन होता है। तो ये कैसा सोल्यूशन होगा, लिक्विड सोल्यूशन। ये भी देख रहे हैं आप सॉलिड लिक्विड गैस, ये वाला जो सोल्यूशन होगा ये आपका सॉलिड सोल्यूशन। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, और ये जो सोल्यूशन के स्टेट्स होते हैं वो सॉल्वेंट के, कहीं ना कहीं सॉल्वेंट के स्टेट से आइडेंटिफाई होगा ना। सॉल्वेंट के स्टेट यहाँ पे गैस है, गैस है, गैस है, तो इसको हम गैसेस सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्वेंट के स्टेट लिक्विड 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 है तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट के स्टेट सॉलिड 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 है तो यह सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें कोई भी डाउट्स नहीं है। और यहाँ पे एनसीईआरटी में आपका एग्जाम्पल्स है, और यहाँ से आप एग्जाम्पल्स को उतार लेंगे, सिंपल एग्जाम्पल्स है, हल्के एग्जाम्पल्स, उसको उतार के, और यदि डाउट्स आने से फिर आप पूछ लेंगे। रब कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में टेबल है, ये टेबल एनसीईआरटी में, आप एनसीईआरटी से भी इस टेबल को उतार सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरे के पूरे सॉल्यूशन का। यदि ये आपको आ गया तो समझ लीजिए सॉल्यूशन चैप्टर आपको आ गया। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि ये आ गया तो आपको समझ लो सब कुछ आ गया, कुछ भी ऐसा है नहीं जो सोल्यूशन में नहीं आया, इन्हीं से कोरिलेट है सारा चैप्टर्स। तो इस कंसंट्रेशन टर्म को आपको मुट्ठी में कर लेना है, इतना मेहनत करना है कि इसको मुट्ठी में कर लेना। हम तो याद ही यही करवा देंगे आपको, मगर आपको यही इसको मुट्ठी में कर लेना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो हम लोग लिखे थे, ये था कंसंट्रेशन टर्म, और कंसंट्रेशन टर्म में जो हम पहला पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वेरी इजी, बहुत आसान। और यदि बहुत आसान है तो आप सोच सकते हैं ना, बहुत आसान है, इसको कर ही लेना है ना, परसेंटेज वेट बाय वेट। आदमी कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज हो नहीं है, सिंपल परसेंटेज वेट बाय वेट, या इसी को हम लोग कहते हैं मास परसेंटेज, ध्यान दीजिएगा मास परसेंटेज, कितना परसेंटेज वेट बाय वेट या मास परसेंटेज, कितना आसान है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं भाई, तो इसको डिफाइन करते हैं, सिंपल सोचिएगा, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ, एक बार कंपोनेंट्स हम लिख देते हैं, मगर नेक्स्ट टाइम से सॉल्यूट लिखेंगे, क्योंकि हम लोग चैप्टर में सॉल्यूट को के बारे में ही पढ़ना है। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ कंपोनेंट, ब्रैकेट में हमने लिख दिया सॉल्यूट प्रेजेंट, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ कंपोनेंट, सॉरी सॉल्यूट, जो सॉल्यूट होंगे वो किसमें होंगे, इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा।
बोले इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ कंपोनेंट, मतलब मास ऑफ कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट, सोल्यूट, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट है ना इन ग्राम, सोल्यूट का मास किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसको कह सकते हैं कि यदि हम 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में हमारा सोल्यूट का जितना ग्राम है उसी को हम उनका मास परसेंटेज कहेंगे। तो हमने क्या बोला देख ले सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ कंपोनेंट या सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मास है वो कितना है उसी को हम क्या कहेंगे आपका मास परसेंटेज। नेक्स्ट यदि हमको मास परसेंटेज किसी का निकालना है तो हम या परसेंटेज वेट बाय वेट जो निकालते हैं देख ही रहे हैं, तो ये क्या हो गया बोलो मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और ये किस में ले ले भैया, तो ग्राम में ले लेता हूँ, दोनों अलग अलग रहेंगे तो कैसे होंगे, ये हमारा मास परसेंटेज या परसेंटेज वेट बाय वेट हुआ, क्या हुआ परसेंटेज वेट बाय वेट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, ये तो पहले बचपन में परसेंटेज पढ़े हैं, जिनका निकालना है परसेंटेज उनको ऊपर रखते हैं और टोटल को नीचे रखते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 100, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। मगर बच्चे यहाँ पे आप कुछ थोड़ा सा डाउट्स में आ सकते हैं, इसलिए उस डाउट्स को दूर करने के लिए जो हम कर रहे हैं उसको देखिएगा, बहुत आसान है। उस डाउट्स को दूर करने के लिए आसानी से आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल यदि हमारा आता है परसेंटेज वेट बाय वेट, ध्यान दीजिएगा, तो हम बोल दिया आपको 5 ग्राम ग्लूकोज ना, या सिंपल इसको ऐसे ही कह सकते हैं, यदि आपको हो पता 5% ग्लूकोज कोज इन 5% वेट बाय वेट, सॉरी 5% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन, यदि आपको दे दे भाई 5% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन और आपसे पूछ ले कि भाई ग्लूकोज कितना है वाटर कितना है, तो अपन क्या हो गए यहाँ फंस गए, ग्लूकोज कितना है वाटर कितना, हाँ सॉल्यूशन में कुछ नहीं दे तो समझ जाइए वाटर है, एक्वस मान करके बनाइए सॉल्यूशन को, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। 5% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन इसका मतलब होता है मींस, लिख देते हैं एक बार बाद में आसान हो जाएगा, मींस 5 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 5% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब हुआ 5 ग्राम ग्लूकोज है, 5 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम में 5 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम में 5 ग्राम आपका ग्लूकोज है। हाँ ये तो डिफिनेशंस हुए, मगर सर इसको पहचानने में हम भूल जाते हैं, याद नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, सारे आसान से आप इनको आसानी तरीके से एकदम इजी गोइंग कर सकते हैं, तो इनको हम देखिए कितना आसानी तरीके से बताते हैं, इनको आपको राइट डाउन करना है तो कर लीजिए उतार लीजिए, और नेक्स्ट टाइम हम अभी आपको बता रहे हैं इनको और आसानी तरीके से, ये हमारा सिंपल आसान सा ट्रिक है, बहुत बच्चे इनको समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इनको करना कैसे है, तो ये ट्रिक इसको आसानी से हम डिफाइन भी कर सकते हैं। ये देखिए 5% वेट बाय वेट, 5% वेट बाय वेट ग्लूकोज है या जो भी है, दिमाग में फिट कर लेना है, वेट को बचपन से हम लोग क्या देखे, वेट मतलब वजन, वजन को किस में लेते हैं ग्राम में, वजन को किस में लेते हैं ग्राम में, नीचे क्या भैया यहाँ भी वेट है, वजन को किस में लेंगे ग्राम में लेंगे, और पूरे सॉल्यूशन में मैक्सिमम केसेस में जो सॉल्यूट होगा उसको कहाँ रखना है, ऊपर में रखना है, और नीचे में क्या रखना है सॉल्यूशन को रखना है,
ध्यान दीजिए, फिर से आसान से, कितना आसान है, 5% वेट बाय वेट था। इसको हमको पहचानना है, निकालना है कि इनमें सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है। इनके लिए बहुत आसान तरीका है, जितना आसान, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। 5% वेट बाय वेट, बचपन से पढ़ते हैं, वेट किस में होता है, ग्राम में। यहाँ भी वेट किस में, ग्राम में। हमेशा ऊपर में कौन आएगा, सोल्यूट आएगा, नीचे कौन आएगा, सोल्यूशन आएगा। हम कलम को क्या करना है, चलाना है, घुमाते जाना है, ये आपके आंसर आते जाएंगे। देखो 5 ग्राम सोल्यूट, अब बस अपने मन से यहाँ लिख दिया है। हमने क्या लिखा, 5 ग्राम सोल्यूट है। वेरी इजी, सिर्फ घुमाना है। परसेंटेज बचपन से पढ़ते हैं, परसेंटेज का मतलब 100, बचपन से पढ़ते हैं, परसेंटेज का मतलब 100, मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में। बस सिंपल सा आसान तरीका, घुमाते जाइए, आंसर पाते जाइए। 5% वेट बाय वेट का मतलब समझिएगा, 5 ग्राम सोल्यूट है। वेरी इजी, किसमें, परसेंटेज मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में, 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो ये 5% वेट बाय वेट मतलब बता दिए, सिंपल, वेट हमेशा ग्राम, नीचे भी ग्राम, ऊपर सोल्यूट, नीचे सोल्यूशन, ये हमेशा होगा, सोल्यूट सोल्यूशन हमेशा रहेगा। इनको क्या करें, 5 ग्राम सोल्यूट है, इसमें 100 ग्राम, ग्राम तो था भैया, इसमें सोल्यूशन में। वेरी इजी, अब इसी को हमको राइट डाउन करना है। आपने बोला, हमने नहीं बोला, 5 ग्राम सोल्यूट है, सोल्यूट कितना है, सोल्यूट कितना है, सोल्यूट मतलब बी, बी कितना है, 5 ग्राम। बहुत इजी एक नहीं है। अब किसमें बोला, 100 ग्राम सोल्यूशन में, मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में, सोल्यूशन दैट इज डब्ल्यू एस, एस मतलब यहां सोल्यूशन लिख देते हैं, बाद में कंफ्यूज ना कीजिए। ये सोल्यूशन कितने ग्राम है, 100 ग्राम। आप बोल रहे, क्या बोल रहे, 5 ग्राम सोल्यूट है, हम नहीं बता रहे, आप बता रहे, 5 ग्राम सोल्यूट है, तो भाई बी है 5 ग्राम। इसमें 100 ग्राम सोल्यूशन में, 100 ग्राम सोल्यूशन में, कितना आसान है, कितना आसान है। और जब वेट की बात है तो हम इसने क्या किया, इसको डब्ल्यू लिख दिया, तो ये डब्ल्यू बी वेट ऑफ सोल्यूट बराबर 5 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूशन बराबर 100 ग्राम। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वेट ऑफ सोल्वेंट कितना होगा, डब्ल्यू ए कितना होगा। बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान। तो यहाँ से हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। तो जब हम लोग को पता है कि डब्ल्यू ए बराबर क्या होगा, तो डब्ल्यू ए पता है आपको, सबको क्या पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है ये आपका सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूट का अमाउंट पता है 5, सॉल्वेंट निकालना है डब्ल्यू ए, सॉल्यूशन पता है 100, तो डब्ल्यू ए का जो अमाउंट आएगा 100 में से 5 चला गया 95 ग्राम। वेरी इजी, वेरी इजी। इसको आप आसानी से कर भी सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए कितने आसान, एक एग्जांपल दें, आप लोग खुद से बना सकते हैं एक क्वेश्चन, आसानी से इसको आप खुद बना सकते हैं, स्वतः बना सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन जब मोलेरिटी, मोलेरिटी, नॉर्मलिटी, तभी आपको 5% वेट बाय वेट करके दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ, इनको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज है, इनको ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, 5 ग्राम सोल्यूट कौन है, सोल्यूट ग्लूकोज है, सोल्यूट कौन है, ग्लूकोज है। तो यहाँ पे सोल्यूट की जगह हम क्या कह सकते हैं, ग्लूकोज। तो 5 ग्राम ग्लूकोज है किसमें भैया, परसेंट मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में। हमेशा सोल्यूट ऊपर, सोल्यूशन नीचे, वेट है तो ग्राम लेंगे, वेट है तो ग्राम लेंगे। वेरी इजी, बहुत आसान। नेक्स्ट आपको यहीं पे हम दे रहे हैं, देखिए इसको, बहुत आसान है। 10% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन, क्या बोला, 10% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन। बस कुछ नहीं करना, बस कर लो मुट्ठी में, 10% वेट बाय वेट हमने लिखा, एकदम आसानी से दिल से बोलना। वेट किस में आता है, ग्राम में।
फिर किसमें आता है? ग्राम बचपन से किए भाई, वजन नापते हो ग्राम केजी, बस यहाँ पे तो ग्राम लेने हैं, 1 ग्राम आ गया। वेट किस में आया? ग्राम में। हरी जी, अब वेट ग्राम में आया तो आगे क्या करना भैया? हमेशा इधर क्या लिखना भैया? सोल्यूट लिखना है, बताए थे आपने। और इधर क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिखना है, ऊपर सोल्यूट नीचे सोल्यूशन, बस कुछ नहीं करना, हाथ घुमा देना है। अभी यहाँ पे क्या ट्रिक होगा इससे ज्यादा? 10 ग्राम सोल्यूट है, वाह, 10 ग्राम सोल्यूट है, वेरी इजी। परसेंटेज बचपन से पढ़ते हैं भैया, क्या पढ़े बोलो? 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम सोल्यूट है। आप बोल रहे, हम बोल रहे क्या? आप बोल रहे यहाँ सोल्यूट हमेशा रखना है, यहाँ सोल्यूशन रखना है हमेशा, मैक्सिमम केसेस में यहाँ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूशन। वेट है तो ग्राम, ये भी वेट ग्राम, तो आप बोले 10 ग्राम सोल्यूट है, मतलब तो बी से सोल्यूट को डिनोट करते हैं, तो ये बी, बी का बी वजन है, तो डब्ल्यू बी कितना भैया? 10 ग्राम सोल्यूट है, 10 ग्राम में सोल्यूट, ये लो 10 ग्राम। किसमें? 100 ग्राम सोल्यूशन में, ए डब्ल्यू एस, 100 ग्राम सोल्यूशन में, 100 ग्राम सोल्यूशन है उसमें 10 ग्राम सोल्यूट है, तो ये हमने क्या कर दिया? 100 ग्राम ले लिया। अब आपसे पता ही है सोल्यूट प्लस सोलवेंट बराबर सोल्यूशन, तो यहां से हम कह सकते हैं सोल्यूट प्लस, ये आ रहा, यहां देखते सोल्यूट प्लस सोलवेंट बराबर सोल्यूशन, सोल्यूट आपके 10 ग्राम हो गए, सोलवेंट निकालना है डब्ल्यू ए बराबर 100 ग्राम, डब्ल्यू ए बराबर 90 ग्राम, कितना आसान है, वेरी इजी। क्या करना? सिर्फ घुमाते चलना, 10 ग्राम सोल्यूट है 100 ग्राम सोल्यूशन में, बस यहाँ पे ग्राम, यहाँ ग्राम, चूंकि वेट है तो ग्राम ग्राम, यहाँ सोल्यूट और यहाँ सोल्यूशन, हमेशा ऑलवेज हमेशा, वेरी इजी। तो आपको परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का क्वेश्चन तो यूं 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 बनेगा, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हम लोग देख लेते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, हाँ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इसको भी डिफाइन कैसे करेंगे? कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए अल्कोहल है, अल्कोहल में वाटर मिला हुआ है, वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है, अल्कोहल का वॉल्यूम दिया हुआ है, दोनों लिक्विड लिक्विड ले लिए, वजन नहीं माप करके उसका वॉल्यूम मेजर किया गया, तो वहाँ पे हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का यूज करते हैं। इसको हम लोग सिंपल डिफाइन करते हैं बहुत आसानी से, इट इज डिफाइंड एज, इसको ऐसे डिफाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ, इस बार से सोल्यूट ही लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, भैया किसमें? एमएल में, सोल्यूट का वॉल्यूम किसमें लेंगे? एमएल में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन एमएल, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन एमएल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज वॉल्यूम, कोई भी परसेंटेज वेट बाय वेट हो, या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो, या परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो, सभी को हम लोग क्या करते हैं? आसानी से निकालेंगे इसी में, है ना। और चूंकि इसको डिफाइन कैसे किया? इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वॉल्यूम किस में रहे? एमएल में, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 ml सोल्यूशन में सोल्यूट का जो वॉल्यूम है वो कितना है, उसी को हम लोग यहाँ से बात करते हैं, ठीक। इसको सिंपली आप निकालने का एक और तरीका, यदि सिंपल, यदि वॉल्यूम दिया हो तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा, लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml
by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको भी हम लिखेंगे इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100। वेरी इजी। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, और जो नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे, और रोक कर आप देख सकते हैं इसको, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये तो आपका डिफिनेशन से आसान है, जिसको आप आसानी तरीके से कर ले सकते हैं। वो जो क्वेश्चंस बनाते हैं उनमें आपको प्रॉब्लम्स आता है, तो उनके लिए आप देखिए नेक्स्ट, फिर वही जब एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो क्लियर होगा। मान लीजिए हमने लिया इधर 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल C2H5OH, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन C2H5OH सॉल्यूशन। भाई बहुत आसान है, इसको एक बार नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं, बाद में तो कहेंगे है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मींस इसका मतलब है भाई कम मात्रा में कौन है, भाई मींस 10 ग्राम C2H5OH मतलब सॉल्यूट प्रेजेंट इन, सॉरी ग्राम नहीं भाई, यहाँ क्या होगा वॉल्यूम है तो ml, 10 ml C2H5OH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आपको तो इतना भी नहीं करना है, वेरी इजी। 10 ml C2H5OH सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इनको समझने में थोड़ा सा टफ लगता है, बस कलम क्या करना है, घुमा देना है। देखो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम C2H5OH, चलो ये C2H5OH क्या है, सॉल्यूट है, बस कुछ नहीं करना, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन फिक्स है। ऊपर में वॉल्यूम है तो भैया क्या ले लें, ml ले लेते हैं, वॉल्यूम है तो क्या ले लें, ml, नीचे भी ml, कुछ नहीं, 10 ml सॉल्यूट है, बस 10 ml सॉल्यूट है, परसेंटेज मतलब 100 ml सॉल्यूशन में। 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब हो गया 10 ml, वॉल्यूम वी बाय वी है तो वी हमेशा ml में लेंगे, या हमें वी ml में लेंगे, ये आपका सॉल्यूट हमेशा ऊपर सॉल्यूशन नीचे, 10 ml सॉल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन में। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल देख सकते हैं 10 ml सॉल्यूट है, आप बोल रहे हैं वॉल्यूम को किसे लिखते हैं, वी 10 ml सोल्यूट है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वी बी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और ये कितना है भाई 10 ml है, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कितने है 100 ml है, वी बी 10 ml है, वी एस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है, और जब हम बात करेंगे वी ए पता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन, तो यहाँ से हम कह सकते हैं वॉल्यूम बी मतलब सोल्यूट है नीचे सॉल्यूशन, तो यहाँ से हम जानते हैं सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन, सोल्यूट का कितना 10 ml, सॉल्यूशन निकालने हैं वी ए, और ये 100 कर दिया भैया, तो वी ए कितने हो गए 90 ml, ये कितने हो गए 90 ml, वेरी इजी, बहुत आसान, सिर्फ घुमाते चलना है, घुमाते चलिएगा ये आपका हो जाएगा। अब करें ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन, तो बहुत आसान है, जिसको आप आसानी से मेहनत कीजिएगा
शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, चैप्टर एंड होने के बाद शॉर्ट नोट्स रोज का रोज कॉपी को क्या करना है, पलटना है, डाउट्स आने से कमेंट्स में आप उनको लिखेंगे तो फिर उनको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा ना, क्लासेस लगने से बता दिया जाएगा, यदि आपको डाउट्स आ रहा है तो कमेंट्स में लिखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में इनको बता दिया जाएगा। और मेरे ख्याल से आई होप डाउट्स आने नहीं चाहिए, और जैसे चैप्टर कंप्लीट हो तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स में बता दिए एन अवस्थी प्रीफर कर सकते हैं, क्यूबी जेई मेन्स का हो या नीट का हो, जब ये दोनों हो जाएंगे आपके तो एडवांस के क्वेश्चंस लगा सकते हैं और वेरी इजी बहुत आसान तरीके से हो सकता है, एनसीईआरटी को कंप्लीट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, एम ने लिखा 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, चलो सी एच थ्री सी ओ ओ एच इथेनोइक एसिड है, या इसी को आप एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सी एच थ्री सी ओ एच सोल्यूशन, बहुत आसान है, ये हमने क्या किया 20% लिखा, चलो वॉल्यूम को बचपन से लिखते हैं, क्या लिखेंगे भाई वॉल्यूम को, परसेंटेज वी बाय वी था, वॉल्यूम किस में लिखते हैं एमएल में, इधर भी वॉल्यूम किससे लिखते हैं एमएल में, हमेशा ऊपर किसको रखना है सॉल्यूट को रखना है, नीचे किसको रखना है सॉल्यूशन को रखना है, बस क्या करना है घुमा देना है, हाथ को घुमा देना है, देखो 20 ml सॉल्यूट है इसमें, परसेंटेज बचपन से जान है इसमें 100 ml सॉल्यूशन में, 20 ml सॉल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन में, तो आप खुद से बोल सकते हैं 20 ml सॉल्यूट है, सॉल्यूट कितना है 20 ml, और सॉल्यूट को किससे डिनोट करते हैं बी से, हम क्या लिखे बी बी बराबर 20 ml, और जब बात करें वी एस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml सोल्यूशन में वी एस कितना हो गया 100 ml, और सिंपल ये आपका वी ए जब लिखेंगे तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट बराबर 100, तो ये सिंपल करते आए हैं हम लोग, तो ये 100 में से 20 गया, ये आपका 80 ml आ जाएगा, ये 80 ml दिया नहीं आ रहा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी ए कितना आएगा 80 ml, बहुत आसान है, बहुत आसान, मगर जब तक आप कंसंट्रेशन टर्म नहीं जानते हैं तब तक आपके क्वेश्चंस सॉल्यूशन के अच्छे क्वेश्चंस नहीं लगेंगे, तो कंसंट्रेशन में इसमें भी ये टर्म्स आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया तो अभी हम एक और कर लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे नेक्स्ट, देखिएगा थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, या इसी को हम कहते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ कहते हैं, कभी स्ट्रेंथ भी कहेगा इसको, या सिंपल और कह सकते हैं क्या कह सकते हैं मास वॉल्यूम, ठीक सिंपल मास वॉल्यूम परसेंट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज स्ट्रेंथ, या मास वॉल्यूम परसेंट, तो अब सिंपल देखिए आप लोग आसान है एकदम, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल डिफाइन करेंगे जिस तरह हमेशा करते हैं, बोलो यहाँ पे एक ग्राम दिया, ये वॉल्यूम किस में ml में, बस तो सोल्यूट किस में ग्राम में डिफाइन जब करेंगे, वॉल्यूम किस में ml में, किसका वॉल्यूम नीचे कौन होता है सोल्यूशन, तो सॉल्यूट किस में होंगे ग्राम में, तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं क्या इट इज, बोलिए अमाउंट ऑफ, अमाउंट मतलब मास, इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन, नीचे कौन है ml में होता है, ml में नीचे ml में लेना है, प्रेजेंट इन 100 ml of
ध्यान दीजिए, हमेशा ऊपर सोल्यूट, नीचे ऊपर सोल्यूट, नीचे सोल्यूशन। इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। बहुत आसान, देखिए इट इज ग्राम मतलब अमाउंट, इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये देखिए इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। पहचानने का आसान तरीका, ऊपर में वेट है तो ग्राम, नीचे ml सोल्यूशन, ml होगा मतलब वॉल्यूम, तो ये सोल्यूट नीचे सोल्यूशन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। और जब हम फिर निकालते हैं इसका परसेंटेज, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालने का तरीका, वेट ऊपर में है या मास लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बहुत आसान, ये तो बचपन से ही करते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं। मास ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 100। क्योंकि आज थ्योरेटिकल सेक्शन था तो आपको थोड़ा थोड़ा सा लग रहा होगा बोरिंग, मगर ऐसा क्लासेस बोरिंग होती नहीं है अक्सर, मगर थ्योरेटिकल सेक्शन रहने के चलते थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लग रहा होगा बाय द वे, मगर नहीं समझ में आने से डाउट में कमेंट्स में आप बताएंगे। अब देखिए सिंपल, इसी को देखिएगा, बहुत आसान, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब क्या है, बस एग्जांपल देखिए, क्या ले लें, 10 ग्राम, सॉरी ग्राम नहीं यार, 10% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन, 10% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन, 10% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसको आसानी से समझ सकते, बहुत आसान, वेरी इजी, जितना भी आप सोच सकते हैं उतना आसान है। इसको हम लोग देख कैसे सकते हैं, सिंपल देखिए, क्या देखिए भैया, देखो 10% सर बताए थे, आप क्या बताए थे, वेट बाय वॉल्यूम, सर वेट किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, भैया बताए थे ना अभी थोड़ी देर पहले, वेट किस में लेते हैं, ग्राम में, वॉल्यूम किस में लेते, बचपन से लेते आए ml में, वेट किस में लेते, ग्राम में लेते, वॉल्यूम किस में लेते, ml में लेते, सिंपल, ऊपर किसको रखने हैं, सॉल्यूट को, और हमेशा नीचे किसको रखने हैं, सॉल्यूशन को रखने हैं, वेट किस में, ग्राम, वॉल्यूम किस में, ml, ऊपर किसको लेने हैं, सॉल्यूट को, नीचे किसको लेने हैं, सॉल्यूशन को, बस हाथ माना है, 10 ग्राम सॉल्यूट है, 10 ग्राम सॉल्यूट है, 10 ग्राम सॉल्यूट है इसमें भैया, परसेंटेज बचपन से जाने भैया, बचपन से 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ml सॉल्यूशन में, तो आप समझ सकते हो 10 ग्राम सॉल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन में, 10 ग्राम दैट इज ग्राम मतलब वेट, तो हमको क्या पता चला, डब्ल्यू बी पता चला, डब्ल्यू बी कितने, 10 ग्राम। चलो 100 ml सॉल्यूशन में, ml मतलब वॉल्यूम, तो हम क्या किसके सॉल्यूशन के, तो भी सॉल्यूशन बराबर कितना कर दू, 100 ml। तो कोई बच्चे बोले सर तो सॉल्वेंट तो हम निकाल सकते हैं, हम बोले कैसे निकाले सर, डब्ल्यू ए बराबर 100 - 10 दैट इज 90 ग्राम, तो हमने कहा ये गलत है। क्यों गलत है भाई, यहाँ पे क्या है, वेट है, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है, दोनों को क्या हम माइनस कर सकते हैं, ये वेट, ये वॉल्यूम, ये ग्राम में है, ये ml में, कैसे माइनस होगा, तो सर कैसे निकालें, तो बाबू इसके लिए बस सिंपल कुछ नहीं करना, बचपन से पढ़ते हैं डेंसिटी बराबर
मास बटे वॉल्यूम। इस तरह में यदि हमको मास पूछेगा तो क्वेश्चन में डेंसिटी दिया रहेगा। जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। तो यदि हमको सॉल्यूशन का मास निकालना है तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम सॉल्यूशन का पता है, क्वेश्चन में डेंसिटी दिया रहेगा और जैसे डेंसिटी से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। बचपन से पढ़ते हैं डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, अब इससे आसान क्या हो सकता है। तो यदि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो आपको मास मिला, और ये मास किसका है, चूंकि ये सोल्यूशन का डेंसिटी है, ये वॉल्यूम किसका है, सोल्यूशन का वॉल्यूम है, तो ये मास किसका होगा, सोल्यूशन का मास होगा। तो जब सोल्यूशन का मास मिल गया, सोल्यूट का मास पता है, तो सॉल्वेंट का मास निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट मास नहीं कर सकते, दोनों का यूनिट अलग है, ये ml है और ये ग्राम है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, तो ये घर से होमवर्क इसको कर लेंगे आप। वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट। जितने क्वेश्चंस होंगे हर क्वेश्चंस में आपको परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये आपको डाला रहेगा। और यदि ये आपको आसानी से आता है तो क्वेश्चन सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत आसान है, जिनको आसानी से हम लोग कर भी सकते हैं, मार्क्स भी अच्छे ऑब्टेन कर सकते हैं। और जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं, और ये पढ़ाने के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा, आइदर वो जेई मेंस हो नीट हो, तो ये आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, एडवांस में थोड़े आपके आपको और मेहनत करने पड़ेंगे कुछ उसमें, क्योंकि मिक्सअप क्वेश्चंस आते हैं, सिंगल एक चैप्टर से कंटेंट आएंगे नहीं, तो उसमें मिक्सअप क्वेश्चंस आएंगे। तो वो जब दो तीन चैप्टर पढ़ते हैं तो वो भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने लगते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे मोलेरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, पीपीएम, ये सब आप हम लोग पढ़ेंगे। और आसान है, सभी कुछ आसान है, अच्छे से यदि हम लोग करने के लिए चाहेंगे कि यदि कर सकते हैं। देखिए बच्चे यदि चाह लें तो कुछ भी कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते। विल पावर अपना अच्छा होना चाहिए, गार्जियन क्या सोच रहे ये समझिए, उनके लिए कीजिए। जब करेंगे तो बेहतर कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो नहीं कर सकते। ये पूरा क्लास आपका जो लिमिट में होगा, इनके लिए आप निश्चिंत रहें, कुछ भी घर के लिए नहीं रहता है, सभी यहीं पे क्लास में ही आपको आसानी से समझ में आएगा। और यदि सिंपल समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, करें। और हम खुद भी इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियोस वगैरह बनाने का प्रयास करते हैं। हाँ, डाउट्स आने से आप बताएंगे। हाँ, यहाँ पढ़ाने के बाद, ये क्लासेस करने के बाद, आपका जेई मेंस हो, नीट हो, या बोर्ड वगैरह जो भी क्लासेस हो, वो सारी क्लासेस आपके अच्छे हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट्स वगैरह नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे आसानी से। और उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहीं पे देखेंगे, और बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे, एक से एक, कुछ भी नहीं करना, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सभी ट्रिक से ही कंप्लीट हो जाते हैं। यूं आप इतना जानो कि सिंपल बहुत आसान सेक्शन है, इनको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सॉल्यूशन बोरिंग चैप्टर नहीं है, बहुत खूबसूरत, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। चूँकि आज फर्स्ट डे था आपका, सॉल्यूशन में डिफिनेशंस वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा आपको तकलीफ लगता होगा। नेक्स्ट क्लास से जब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को और आगे बढ़ाएंगे, आपसे क्वेश्चंस होने लगेंगे। हाँ, आप एक चीज़ कभी ना भूलें, जितने क्लास को आप करते हैं, इस लेक्चर्स को अर्ली इन द मॉर्निंग जगे और इसको एक बार पलट लें। एक कहावत है, रोटी जली क्यों, पान सरा क्यों, पढ़ा भूला क्यों। तो हर एक चीज़ के पीछे जो रीज़न है वो है, इनको पलटा नहीं गया। यदि हम पलटते हैं किसी चीज़ को तो उसको भूल नहीं सकते। अच्छे अच्छे मूवी को जब हम देखते हैं तो बहुतों दिन तक वो कहानी हमको क्या होता है, याद रहता है।
बिना मेहनत किए हुए। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, रोज रोज इस बस टोपी को पलटना है, स्वतः आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, जेनरेट होगा, बहुत आसान बहुत आसान, बहुत अच्छा लगेगा। केमिस्ट्री सेक्शन आपके लिए जेईई मेंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, जिनको आप अच्छा कर करके एटलीस्ट केमिस्ट्री के बल पे आप जेईई मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। मैथ्स फिजिक्स अच्छा करते हैं तो एनआईटीज, अच्छे एनआईटीज वगैरह में जा सकते हैं। केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट का इनको अच्छा कर करके आप कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे मोलेरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मलिटी। आपको कुछ भी घर से करके लाने की जरूरत नहीं है कि हमारा 11th खराब है वही हमको सोल्यूशन समझ में नहीं आएगा। वेरी इजी, बहुत आसान, सब कुछ समझ में आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा। सारे सब कुछ यही क्लास में ही किए जाएंगे, आपको बस कुछ नहीं करना है, घर पे जाके कॉपी को पलटना है, नोट्स को पलटें, उनको जितने बार पलटेंगे वो आपको उतना अच्छा होगा। और सारे कुछ कुछ भी सिंगल एक वर्ड नहीं होगा जो आप यहाँ से समझ के नहीं जा सकते हैं। बाय द वे, यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो फिर से उनको समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलेरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मलिटी, पीपीएम पढ़ेंगे, पापा नहीं पार्ट पर मिलियन। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, फिर यहीं पे क्वेश्चंस, बहुत खूबसूरत क्वेश्चंस है, कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो भी चुटकी बजाते हुए आसान, एकदम सिंपल आसान, सब कुछ मुट्ठी में चाले तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कंसंट्रेशन टर्म लेकर के, मोलेरिटी, मोलेरिटी, नॉर्मलिटी, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन। तब तक के लिए धन्यवाद।